फरीद नगर स्थित नूरी मस्जिद ईदगाह की जमीन को जबरिया कब्जा करने को निजी पोर्टल द्वारा दिखाए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए थाना सुपिला प्रभारी को आवेदन देकर सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक निजी न्यूज पोर्टल में प्रसारित किए गए समाचार के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सुपेला थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कथित न्यूज पोर्टल द्वारा बाबा फरीद नगर स्थित नूरी मस्जिद ईदगाह को जबरिया कब्जा करना बताया गया है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है एवं ईदगाह की जमीन पर विगत 50 वर्षों से मुस्लिम समुदाय द्वारा अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एवं यह भूमि जिस स्कूल की बताई जा रही है वह स्कूल बहुत बाद में निर्मित हुआ और ऐसे खबरों से सामाजिक सौहार्दता के बिगड़ने के हालात उत्पन्न होते हैं, जिसे देखते हुए कथित न्यूज पोर्टल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी भिलाई के मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई है। देखिए, जो नूरी मस्जिद के द्वारा मैनेजमेंट में ईदगाह है फरीद नगर में, ईदगाह चौक में, उसमें फरीद नगर के एतराफ़ के कई मस्जिद के अंतर्गत आने वाले जो निवासी हैं मुस्लिम समाज, उसमें नमाज़ पढ़ता है ईदगाह, ईद में बकरीद में, और वहाँ पर और भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं लंगर के, तकरीर के, तो उसका उपभोग हमारा जो फरीद नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पूरा वैशाली नगर विधानसभा उसका इस्तेमाल करता है। उसमें करीब 10,000 लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और ये हमारे पास लगभग 45 से 50 साल से वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही है जब से फरीद नगर बसा हुआ है। और यहाँ पर ये राजस्व विलेखों में भी दर्ज है और वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड है। और जो इसके जो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा नूरी मस्जिद मैनेजमेंट करता है, उसके सदर हमारे इद्रीस भाई राजू भाई हैं। और यहाँ की जनता अभी बिगुल न्यूज़ के एक पोर्टल में एक हमारे यहाँ के गलत सूचना प्रसारित कर दी गई, जिससे आक्रोश व्याप्त है फरीद नगर आसपास के निवासियों में, सभी लोग के भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है और सभी उस न्यूज़ चैनल को बंद कराने की मांग कर रहे हैं, जो पोर्टल न्यूज़ है उसको बंद करने के लिए, और जो उसके खिलाफ़ में जो रिपोर्टर ने जो रिपोर्टिंग की है उसके लिए भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और आईटी एक्ट का उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और जो यहाँ पे जो शांति व्यवस्था भिलाई की जो फेमस है कि भिलाई में सभी धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, इसको दूसरी पार्टी वाले, राजनीतिक पार्टी वाले एक ठोक नफरत फैलाने का वो देते हुए यहाँ पर नफरत फैलाने और भाईचारा खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे समझदार जनता से हमारी अपील भी है कि जागरूकता का परिचय देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखें। और फरीद नगर के लोग यहाँ पर बहुत सारे वैशाली नगर के लोग आए हुए हैं, जो कि एक प्रतिनिधिमंडल थाना में ज्ञापन सौंपा है थाना प्रभारी के नाम से, और निवेदन किए हैं कि इनके अपील की जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि इस अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। न्यूज़ ये चला है कि हमारा फरीद नगर स्कूल की जमीन को, गवर्नमेंट स्कूल की जमीन को ईदगाह के द्वारा कब्जा किया गया है, जबकि सत्य यह है कि ईदगाह पहले से बना हुआ है और उसके बगल में गवर्नमेंट स्कूल, लोगन स्कूल या शासकीय स्कूल के नाम से बाउंड्री अलग है और वो अलग चल रहा है, और उसमें अभी आत्माराम स्कूल भी संचालित हो रहा है और गवर्नमेंट स्कूल भी संचालित हो रहा है, तो स्कूल का कोई विवाद नहीं है। असामाजिक तत्वों के द्वारा नफरत फैलाने की साजिश करते हुए यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए प्रयास है, तो इसके लिए हमने प्रतिनिधिमंडल मुसलमानों का, मुस्लिम समाज का आके यहाँ पर आवेदन दिया कि यहाँ पर ऐसे अपराधियों को, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ दंड का प्रावधान है, उसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखने में यहाँ पर मदद की जाए। सुपेला थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए मामले की जाँच करके संवैधानिक कार्रवाई करने की बातें कही है। इस संबंध में नूरी मस्जिद जो फरीद नगर है वहाँ की कमेटी के द्वारा एक लिखित शिकायत थाना प्रभारी सुपेला के नाम पर प्रस्तुत की गई है और शिकायत अभी ली गई है और शिकायत में जो भी मुनासिब कार्रवाई की जांच की जा रही है, जांच के उपरांत भी की जाएगी। ये शिकायत इस तरीके की कि जो नूरी मस्जिद कमेटी के अंदर में एक वो ईदगाह आता है, ईदगाह को गलत तरीके से कब्जा किया गया है, इस टाइप का कोई न्यूज़ चला है, उस न्यूज़ के अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत किया। अभी अब ये आवेदन आया है, आवेदन के बाद हम तथ्यों को लेंगे, सभी दोनों पक्षों की जानकारी लेंगे कि किस आधार पर क्या चीज़ें हैं और क्या एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स के आधार पर जो मुनासिब कार्रवाई होती है कानूनन वो कार्रवाई की जाएगी। भिलाई में यह कोई पहला मामला नहीं है जहां पुनः वाद विवाद देखने को मिल रहा है, ऐसे विवाद और ना पनपे, इनको लेकर पुलिस प्रशासन को उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।